हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल ग्रामीण ज्ञान जॉब। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वोटर कार्ड न्यू कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको उसमें आपको लिखना होगा वोटर कार्ड। वोटर कार्ड लिखने के बाद फ्रेंड्स, आपको उसको सर्च करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वोटर कार्ड लेकर सर्च कर दिया। सर्च करने पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ है एन वी एस पी, उसको आपको क्लिक करना होगा। उसको जैसे क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया, आप चेक कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है ये पर, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहले सबसे पहले आपको यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करना पड़ता है। तो मेरा पास पहले से यूजर आईडी बना हुआ है, इसीलिए मैं अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल रहा हूँ। जिससे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद उसके बाद फ्रेंड्स, आपका एक मोबाइल में ओटीपी आएगा। तो चलिए कैप्चा फिल करने के बाद उसको सेंड करते हैं। सेंड जैसे कीजिएगा, आपका मोबाइल में एक ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। तो देख लीजिए आपका मोबाइल नंबर सही है नहीं है, चेक कर लीजिए, जिसमें आपको रजिस्टर नहीं देखिए जैसे कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ एक ओटीपी जनरेट करना होगा। ओटीपी जैसे आपका 6 डिजिट का है, ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद उसके बाद देखिए लिखा हुआ वेरीफाई टू लॉग इन, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपको इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। अब इसमें आपको देखो ग्रीन कलर का लिखा हुआ है अप्लाई न्यू वोटर कार्ड, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसको क्लिक जैसे ही कीजिएगा आपको, तो उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको स्टेट चूज करना होगा। स्टेट चूज करने के बाद उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, आप हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज वो चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ आपको किस जिले से जमतरा या झारखंड में जिला, ऑटोमेटिक यहाँ आएगा। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना, उसके बाद इसको आपको टिक लगाना नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स, वहाँ देखिए आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब पर्सनल डिटेल में लगता है। तो चलिए सबसे पहले आपका नाम हो गया, जैसे यहाँ नाम हिंदी से लिख इंग्लिश से लिखेगा आपका ऑटोमेटिक हिंदी से नीचे में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, अपलोड फोटोग्राफ पासवर्ड साइज कलर, उसके बाद बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। तो यहाँ चॉइस फोटो देखिए, बैकग्राउंड आपका वाइट होगा, फोटो आपको इस तरह चॉइस करना। उसके बाद आपका सक्सेसफुल डिग्रेशन लिखा जाएगा, उसके बाद नीचे स्क्रेट करना। उसके बाद देखिए यहाँ फादर का नाम लिखना है इंग्लिश से, आपका ऑटोमेटिक हिंदी से भी आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए आपका एक मोबाइल में ऑटोपी जनरेट होगा, आपको सेंड ऑटोपी करना है। देखिए मोबाइल में ऑटोपी आएगी, उसके बाद आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट आएगा, आधार कार्ड यहाँ सपोर्ट देना होगा, कोई भी एड्रेस डिटेल। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ विकलांग वाला छोड़ देना है। उसके बाद आपका यहाँ नेम अपना डिटेल, आपका फादर का नेम का जो डिटेल पूरा तरफ से यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आपको रिलेटिव में जो है वहाँ पर आपको देखिए क्या रिलेटिव है, तो चलिए फादर से डाल देना। उसके बाद मेंबर ऑफ द रेफरेंस नंबर, यानी वोटर कार्ड का पिताजी का जो यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर यानी वोटर कार्ड या FFT नंबर यहाँ पर फिलअप करना होगा। और जैसे फिलअप कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको देखिए सारा बायां साइड में ब्लू टिक लगाते हुए आ रहा है, इसमें आपको जाइएगा, अगला स्टेप कंप्लीट होते जा रहा है। उसके बाद FFD नंबर यहाँ पर फिलअप करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको देखिए डिक्लेरेशन पर आ गया। डिक्लेरेशन पर यहाँ आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ से नेक्स्ट जैसे कीजिएगा, आपको यहाँ पर फिर यहाँ पर विलेज टाइप करना होगा। तो चलिए यहाँ पर विलेज, उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ये सारा फिर सबको यहाँ पर फिलअप करना होगा। डिस्ट्रिक्ट उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ बता रहा सीन सब कितने दिन से रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा कितने दिन से आप वहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस लिखना है, आप कहाँ पर रहते हैं। उसके बाद डेट ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा 26/11 जिस दिन आप बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना होगा, जैसे कैप्चा फिल कीजिएगा उसके बाद आपको फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं कैप्चा फिल कर ली, उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो कैप्चा दोबारा फिल करना है, वो कैप्चा मिस्टेक से दूसरा डला गया था। उसके बाद फिर आपको कैप्चा दोबारा जैसे फिलअप किए, उसके बाद फिर देखिए आपका फॉर्म पूरी तरह से
कंप्लीट हो गया। उसके बाद फ्रेंड देखिए आपको, उसके बाद आप चेक कर लीजिए कोई यदि मिस्टेक है तो या नहीं है। उसके बाद आपको फिर यहाँ पर आई डू वांट टू सबमिट, सबमिट पर जैसे क्लिक कर जाए फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। रेफरेंस नंबर आपको रखना, रेफरेंस नंबर आप इस तरह प्रिंट करके भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए सारा यहाँ पर आपको फिर इसको PDF बना के भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह वीडियो आपको आपके लिए मैं लगातार लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह लेता आऊँगा। तब तक ले जा दीजिए, जय हिंद जय झारखंड, टाइम इन वॉच।